उत्तराखंड के लोकप्रिय आईएएस दीपक रावत के बारे में कहा जाता है कि साल 2017 में वो गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले आईएएस अधिकारी रहे थे। ये कहानी उत्तराखंड के एक ऐसे आईएएस ऑफिसर की है जो अपने कामों और अपने अंदाज की वजह से देश भर में जाने जाते हैं। आईएएस दीपक रावत जिस भी जिले में जाते हैं उन्हें भरपूर प्यार मिलता है। लोगों के बीच लोकप्रियता और गरीबों के आशीर्वाद का ऐसा असर है कि डीएम दीपक रावत घूसखोरों भ्रष्टाचारियों के लिए एक बड़ी आफत बने हैं। ये किस्सा उस वक्त का है जब दीपक दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे। वो अपनी बातों अपनी बुद्धिमता की वजह से अपने दोस्तों के बीच काफी चर्चाओं में रहते थे। आईएएस दीपक रावत का जन्म 24 सितंबर 1977 को हुआ था। मूल रूप से उत्तराखंड के देहरादून जिला के मसूरी के निवासी हैं। उनकी पत्नी विजेता पेशे से वकील हैं। इनके एक लड़का और एक लड़की हैं। दीपक रावत उत्तराखंड के ऐसे अधिकारी के रूप में उभरे हैं जिनकी फैन फॉलोइंग हर तबके में बराबर है। एक दबंग आईएएस के रूप में उनकी पहचान की जाती है। मसूरी के सेंट जोसेफ स्कूल में पढ़े दीपक रावत यूपीएससी में दो बार असफल होने के बाद तीसरी बार सफलता प्राप्त कर ली। 2012 बैच के आईएएस दीपक रावत अपनी अमित छवि के लिए काफी प्रख्यात हैं। दिल्ली के हंसराज कॉलेज से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद पश्चात उन्होंने जेएनयू से एमफिल किया। 2019 में राष्ट्रीय पोषण अभियान में बेहतरीन कार्य करने पर आईएएस दीपक रावत को राष्ट्रीय पुरस्कार से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सम्मानित किया। दीपक रावत ने जहां राष्ट्रीय सम्मान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को समर्पित किया। दीपक रावत 2012 बैच के आईएएस हैं। सर्वप्रथम ये कुमाऊं मंडल विकास निगम के एमडी बने। उसके बाद नैनीताल जिला के डीएम। नैनीताल जिला के डीएम बनते ही दीपक रावत एक्शन में आ गए और 24 घंटे के अंदर ही उन्होंने पूरे जिले को अच्छे तरीके से संभाल लिया। इसके बाद इन्हें हरिद्वार जिले का जिलाधिकारी बनाया गया। वहां भी उनकी कार्यशैली काफी सार्थक रही। वर्तमान में दीपक रावत कुंभ मेला अधिकारी पद पर कार्यरत हैं। आईएएस दीपक रावत जमीन से जुड़े अधिकारी माने जाते हैं। दीपक रावत ग्राउंड पर कार्य करने में यकीन मानते हैं, इसीलिए उन्हें काफी बार सोशल मीडिया में छापा मारते और अवैध कार्य को रोकते हुए भी देखा गया है। आईएएस दीपक रावत के जीवन में दौर ऐसा भी आया जब उनके पिताजी द्वारा उनके पॉकेट मनी को रोक दिया गया। उस समय वह 24 वर्ष के थे। उनके पिताजी ने कहा कि अब उन्हें अपनी पॉकेट मनी का खर्चा स्वयं उठाना पड़ेगा। दीपक रावत पढ़ाई में जुट गए। जेआरएफ नेट क्वालिफाई करके स्कॉलरशिप लेकर अपना खर्च उठाने लगे। दीपक रावत उत्तराखंड में ही नहीं देश में भी काफी प्रख्यात और प्रचलित आईएएस अधिकारियों में से एक है। उनकी कार्यशैली का हर कोई मुरीद है।